शुरुआत होती है, एक शुरुआत है ये 2019 की। और हम सबको पता था, हम सबकी ड्यूटी भी लगाई गई थी, इलाहाबाद से मेयर थी मैं, जीती थी वहाँ ड्यूटी, सूरत और अहमदाबाद में लगाई गई थी। तो लोगों में जो ये भ्रम फैलाने की स्थिति थी कि बहुत जीएसटी से व्यापारी नाराज है, गुजरात जो व्यापार से ही जाना जाता है, ऐसी कोई भी नई बात थी। जीएसटी से लोग थोड़ा सा परेशान थे, लेकिन लगातार उसमें बदलाव किए जा रहे थे, जिससे व्यापारी खुश था कि हमारी बात सुनी जा रही है, बदलाव ला जा रहे हैं। तो उसकी ये जीत है, व्यापारी की जीत है, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, गृह जनपद है, उसकी जीत है, अमित शाह जी की जीत है। और लोगों में आज भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर विश्वास बना है कि अगर विकास की कहीं जीत होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। इसलिए हम सब खुश हैं कि हमारा आने वाला 2019 भी चमकता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहेगा, अमित शाह जी का मार्गदर्शन रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ भगवा ही लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत दिखाई पड़ेगी। हिमाचल में भी जीत मिली है, बहुत बड़ी, हिमाचल में तो बहुत बड़ी जीत मिली है, और ये दिखाई पड़ रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही लहराती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं विकास की जो धारा है उसको आदमी और हमारी जनता पसंद करने लगी है कि जहां काम दिखाई पड़ेगा उसी की सरकार को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये हिमाचल और गुजरात की जीत ही हमारा सर्वोपरि है कि प्रधानमंत्री जी का जो वर्चस्व है आज भी चल रहा है, कि उन्होंने जो विकास की धारा को लेकर चले तो पूरी तरह दिख रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी वहां पर गए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी गए थे, और हमारे शहर के सारे जितने भी हमारे प्रदेश के मेयर हैं लगभग सभी वहां पर थे। हम सबकी ड्यूटी लगाई गई थी, तो हम सबको दिखाई पड़ रहा था कि सिर्फ और सिर्फ यहां कमल खिलेगा और किसी का विकास नहीं दिखाई पड़ेगा। देखिए, अगर उनकी सीट जहां जीती गई वहां क्यों नहीं ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां बीजेपी का आदमी जीतता था वहीं से सवाल उठाए जा रहे थे। प्रदेश में जब निकाय का चुनाव हुआ वहां दो जगह बीएसपी जीती, तो क्या वहां ईवीएम अलग से लगाए गए थे, क्या छाट छाट के लगाए जा रहे थे ईवीएम? ये तो है कि जनाधार आपके पास है ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं मरना ही है तो ईवीएम पे ही मर दो। तो अब दिखाई पड़ रहा है कि कुछ सीटें कांग्रेस को मिली है तो हर जगह छाट के ईवीएम नहीं लगाया गया। ये तो लोगों के पास कोई अपने लिए अपनी बात कहने का कोई माध्यम नहीं है, तो ईवीएम ही एक माध्यम मिल रहा है जिसको लोग कह रहे हैं भ्रमित करने का बस अंदाजा है। कृपया हमारे चैनल को